वेलकम बैक नाजरीन। पीर साहब, एक टर्म है सजादा नशीन, ये एक आम लोगों की जानकारी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सजादा नशीन क्या टर्म है और जो आपका इल्म ट्रांसफ़र होता है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? सजादा नशीन तो उन्हीं लोगों के आते हैं जो कि बुज़ुर्गों की औलाद से आते हैं, और वो लोग बुज़ुर्ग जो वाकई दौर के वली गुजरे हैं उनके वाले हैं। इसी तरह हमारे जो पीर मुर्शिद थे किबला सूफी सबा सफ़ा हज़रत पीर मुसनफ़ अली रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे बुज़ुर्ग थे, अब उनके सजादा नशीन है। सजादा नशीन ये होता है कि उनकी जगह का संभालने वाला बंदा, लेकिन वो संभालने वाला बंदा जो उन्हीं के नक्शे कदम को आगे चलाए, उसको सजादा नशीन कहते हैं। तो इल्म और ये सारी जो चीज़ें होती हैं कैसे ट्रांसफर करते हैं? देखिए, आप एक देखें, आम के दरख्त के या किसी बीज के साथ बीज वही निकलेगा। जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग किसी से सीखे जाते हैं, मिसाल के तौर पर आमल बन जाते हैं, नजूमी बन जाते हैं, असाबदान बन जाते हैं। एक लोग तो लोग ऐसे होते हैं जो मादरी वली होते हैं, जो पैदाई से मकामे वलायत पर होते हैं। और जिस तरह दरबार अली बलौड़ा शरीफ की हमारी तारीख है, हमने मादरी वलायत है, हम मादरी पैदाइशी तौर पर इसी सूरत हाल में रहे हैं। नौजवानों के हवाले से हम बातचीत करेंगे कि नौजवान इस वक्त बड़ा डिट्रैक्ट हो रहे हैं, बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, उनको क्या आप देखिए, जो नौजवान हो रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो नौजवान, उनको सबसे पहला ये अमल करना चाहिए कि अपने वालदेन का फर्मबरदार बनना चाहिए। अगर मैं मुझ पर रब ताला इतना राज़ी हुआ तो सबसे पहली मेरी पॉइंट ये थी कि मैं अपने वालदेन का इंतहाई ज़्यादा फर्मबरदार, जो उनका हुक्म था उसको मैंने ओबे किया, उन्होंने जैसे जैसे फरमाया तो मैं उसी तरह किया, और उसके बाद मेरे पर रब मेरा राज़ी हो गया, रब ताला ने इतना करम फरमाया। इसलिए नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप जवान होकर बेरावरी का शिकार ना करें, बल्कि आपके वालदेन को जो असल मकसद है उसको हासिल करें। सही, तालीम के हवाले से हम बातचीत करेंगे कि आप माशाल्लाह से आपके पास बहुत इल्म है, एक आम इंसान के पास उस तरह का इल्म नहीं होता। नौजवानों की तालीम के हवाले से क्या कहेंगे कि उनको तालीम के मैदान में किस तरह से आगे आना चाहिए? जब इंसान को कायनात से सबसे कीमती चीज़ जो है वो इल्म है, चाहे वो रूहानियत का हो, चाहे दुनियादारी का हो, किसी चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम्हें इलम हासिल करना चाहिए, चाहे ख्वाह तुम्हें चीन भी जाना पड़े। इसलिए इलम हासिल करना, जब इंसान इलम हासिल कर लेता है तो वो फिर इंशाल्लाह ताला वो बढ़ता भी नहीं है और उसको वो ठीक रास्ते पर चलता है। इलम के लिए ये मेरी तरफ से ताकीद है कि जवानों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलम हासिल करें, कुरान और हदीस को ज़्यादा इलम हासिल करें, उन लोगों से हासिल करें जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हों। क्योंकि हमें अल्लाह अगर किसी ने बताया तो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो हमें उन्हीं के किए हुए अमल पर, उन्हीं की की हुई बातों पर हमें यकीन है। तो इसलिए कुरान और हदीस के इलम को ज्यादा जानेंगे तो बरा रवि का शिकार सहर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर सब आपके लाखों मुरीद हैं पूरी दुनिया में। जी जी। बड़े वाकयात आप देखते होंगे, कोई एक दो वाकयात अगर हमारे साथ आप शेयर कर सकें कि जो आज तक आपको याद हों। वाकयात के लिहाज से मिसाल के तौर पर मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए कि हर रोज रब ताला का करम ही करम होता है। अगर कम करामते गिनी जाए तो मेरा ख्याल आप मेरे साथ 10 दिन भी टॉक इस पे बजू पर करते रहते हैं तो कम नहीं होती है। मैं एक दो वाक्या सुना सकता हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि सरकार में ये मेरा खादम ही था, कहते हैं सरकार ये आले रसूल हैं, ये सैयद हैं, तो इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनकी कमर टूट गई, कमर टूट गई। मैं वाक्यात आपको रब का करम सुना रहा हूँ, इनकी कमर टूट गई और ये चलने से मजबूर हो गए, जिसे वो और ये सारे डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर ने ये कहा कि ये बंदे जो हैं ये जिंदगी भर के लिए चल नहीं सकेंगे, हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे होंगे या स्ट्रेचर पे होंगे। ये मैंने उसको उनको देखा तो मैंने कहा या अल्लाह तू इतना मेहरबान है, इतना तू करम फरमाने वाला है, तेरे सामने कौन सी बड़ी बात है। रबे काबा की कसम है कि एक बार उन पर नजर करी तो 2 साल से वो व्हीलचेयर पे खड़े हुए थे, 1 मिनट में खड़े हो गए। आज भी बंदा वो काम करता है, वो मोटरों का काम करता है, जो कुएं से उतारने वाली मोटरें, वो मोटरें होता है और कुएं से मोटरें बाहर निकालता है। कोई ऐसा वाकया जो पाकिस्तान से बाहर आपको याद हो? मैं पाकिस्तान से बाहर, मेरे पास ऐसे पाकिस्तान से बाहर, मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ कि एक बंदा था, ये ब्लैकबरी में रहता है, उधर इंग्लैंड में रहता है, उसका वालिद साहब थे, वो हमारे मुरीद हैं, वो 3 दिन से बेहोश थे। आपको यहाँ पाकिस्तान से होकर बाहर का वाकया सुनाता हूँ जिसको अकल नहीं मानती। तो 3 दिन से वो लगातार बेहोश थे, कोई होश नहीं आते, डॉक्टर ने सारा कुछ उनका इलाज किया, सारा कुछ होश देने वाली दवाइयाँ दी, लेकिन नहीं हो सके। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मेरे वालद साहब जो हैं वो इतना ज़्यादा बीमार बेहोश हैं, तो आप कुछ नज़र करम करें, दुआ करें। मैंने कहा आप उनकी इस तरह करें कि मेरे से फ़ोन से जो लोग दम कराते हैं फ़ोन उनके पास ले जाएँ। जब उनके पास फ़ोन लेकर गए, मैंने उनको एक फूक मारी, उसी जगह वो खड़े उठ गए, और वहाँ के जो 3 ईसाई डॉक्टर उनके साथ उनका इलाज कर रहे थे वो देख के हैरान हो गए कि ऐसा दुनिया में वाकया हो सकता है कि एक फ़ोन से आवाज़ आए और बंदा ठीक हो जाए। तो ये सब का सब अल्लाह का करम है, क्योंकि रब है, रब कायनात की हर जगह मौजूद है, और जहाँ रब मौजूद है वहाँ दरवेश की नज़र पहुँचती है। फिर सब जन्नात के हवाले से बातचीत करेंगे कि जन्नात की बहुत सारी इकसाम हैं
और पहले तो हमें एग्जाम भी बताइए कि क्या क्या एग्जाम हैं उसकी, और उसके बाद आप कंट्रोल कैसे करते हैं जिन्नात को, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसको जैसे आप कंट्रोल करते हैं? देखिए बात यह है कि जिन्नात की बस दो बड़ी एग्जाम ले लें, एक शैतानी और एक रहमानी, दो बड़ी जो सिंगल, इसमें वो जो शैतानी जो जिन्नात होते हैं उनको कंट्रोल, आपको एक पता है ना, हमें आपका एक इंचार्ज, आपका एक यहाँ एक प्रोग्राम है मिसाल के तौर पर इसके ऊपर, या कई कायनात के अंदर हर चीज़ का एक उसूल होता है। उसूल इस तरह होता है कि हर बंदे के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, उसका बड़ा बंदा होता है। रब ताला ने हमें इतनी फोकियत हासिल की है कि हमें, मुझे लोग जिन्नात का बादशाह कहते हैं, ना ये डंडू से निकलते हैं, ना ये हाथों को प्लास मारने से निकलते हैं, और ना ही इनको मारने से निकलते हैं। ये लोग बेवकूफ़ी वाला वो पुराना दौर कह रहे हैं कि डंडू से जिन्नात निकल सकते हैं। आप कभी, मैं आपको अपनी कोई दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो आते हैं लोग दरवेश में उनको पता है, दरवेश की नगाह मेरे सामने जब जिन्नात आते हैं तो उनको ये पता चल जाता है ये रब का बंदा है, ये अल्लाह का वली है, ये हमारा बादशाह। बस मैं उनको हुक्म देता हूँ, सिर्फ खाली हुक्म देता हूँ, वो छोड़ के चले जाते हैं। ना किसी औरत को, ना किसी मर्द को हाथ तक भी हम नहीं लगाते, खाली नगाहों से देखते हैं तो जिन्नात छोड़ के निकल जाए, चाहे बरसों के हों, 100 साल के उसके साथ क्यों। ऐसे कहते हैं कि जिन्नात को अगर काबू करना हो तो उसके लिए आपको चिल्ला काटना होता है और उसके उस दायरे के अंदर खाना आपको दिया जाता है, और या आपके एक कमरे में बंद हो जाएं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये बात बता रहा हूँ ना, ये वो लोग होते हैं जो लोग एक एक तिनका तिनका चुन करते हैं, जिनको शौक है कि एक दो जिन्नात होते हैं, जो तूफान होता है, जो समुंदर होता है। मैं आपको पहले बता रहा था, हमें लोग जिन्नात का बादशाह, हमने कोई चिल्ला नहीं काटा, हमने सिर्फ जनाबे महबूब सुबहानी शाहबाज लामकम हजरत वसे आजम की गुलामी किया और अपने पीर मुर्शिद की गुलामी किया। बस हमारी नज़र की इतनी ताकत है कि दुनिया का कोई, आज तक मैंने तकरीबन को 10-12 लाख से ज्यादा लोगों को जिन्नात के मरीज ठीक किया। मुझे ये यकीन है कि कोई ऐसा जिन नहीं है जो मेरे सामने बोल सके, या ऐसा ना हो सके कि मेरे पास गया हो तो वो ठीक ना हो सके। इसके लिए चेला नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक अल्लाह के कुरान का आसरा, पहले अल्लाह का आसरा, फिर कुरान का आसरा, और दूसरा पाक साहब। मैं तकरीबन जिस दिन से मैं होश में हूँ उस दिन से मैंने दो काम नहीं किए, होश जिस दिन से मैंने होश, एक मैंने नज़र के अंदर से हया नहीं हटाया, और दूसरा मैं बगैर वजू से कभी नहीं बैठा माशाल्लाह इतना अरसा से, और एक तीसरी जो आपको मजे की बात है, मैं पूरी रात कभी सोया नहीं। तो किस वक्त सोते हैं आप? आप देखें, बात क्या है कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो दरवेश की, अगर दुनियादार की ड्यूटी हो तो बंदे को फिक्र लगी रहती है, मैंने सुबह दफ्तर को जाना है, ये काम करना है। जो लोग रब की ड्यूटी जाते हैं तो उनको नींद की तो ज़रूरत नहीं है, फिर उनको पॉसिबल नहीं है। आप किसी वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई देखी, बस ये मेरे पर रब